देखो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, न्यू टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ग्रुप। अच्छा ये ग्रुप या ग्रुप ऑफ कंपनीज का नाम सुना होगा आपने कुछ, ग्रुप ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या मतलब होता है इसका, ग्रुप ऑफ कंपनीज का कौन सी होती है और एजेंट है हमारे, आपको कहते होते हैं क्या होता है और कौन सा ग्रुप, अदानी ग्रुप, खानदानी ग्रुप। अच्छा सही, तो ग्रुप ऑफ कंपनीज का क्या मतलब होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती है, मतलब आपकी एक कंपनी है फिर आपने एक कंपनी और स्टार्ट की, फिर एक और कंपनी खोल ली, एक और कंपनी खोल ली, या कोई रनिंग कंपनी को एक्वायर कर लिया, खरीद लिया एक कंपनी और खरीद ली, एक और कंपनी खरीद ली, एक और, उसको कलेक्टिवली क्या कहेंगे आप, ग्रुप ऑफ कंपनीज का, ठीक है ना। अच्छा तो उसमें एक कंपनी होगी जो हेड होगी, बाकी सब उसके अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक कंपनी है, फर्स्ट करें आपके पास पी कंपनी है, एक कंपनी सपोज कर ले पी कंपनी, एक और कंपनी थी एस कंपनी, अब पी कंपनी ने क्या किया, एस कंपनी को एक्वायर कर लिया, खरीद लिया, तो इसने इसको एक्वायर कर लिया, राइट। तभी क्या होगा, ये कंपनी जो एस कंपनी है वो पी कंपनी के अंडर में आ गई, अच्छा तो इसको कलेक्टिवली आप क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ कंपनीज कहलाएंगे। इसी तरह इसने पी कंपनी ने एक और कंपनी स्टार्ट की या एक्वायर की, फिर एक और तीसरी कंपनी खोल ली, चौथी कंपनी, पांचवी कंपनी, इसको क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ कंपनी। अच्छा इसमें जो ये पी कंपनी है ये क्या कहलाएगी, पेरेंट्स कंपनी, जो हेड होगी जो सबको कंट्रोल कर रही है, ग्रुप में से कहेंगे पेरेंट्स कंपनी, और बाकी सब क्या कहलाएंगी, सब्सिडियरी कंपनी, जो हेड होगी वो क्या कहलाएगी, पेरेंट, और बाकी उसके सब्सिडियरी क्या है, कलेक्टिवली आप क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ कंपनी, जिसमें एक हेड होगी कंपनी जो कि तमाम कंपनीज को कंट्रोल करेगी, उससे आप कहेंगे पैरेंट कंपनी, और बाकी सब जो उसके अंडर में काम करेंगे कंट्रोलर वो कहलाएंगे सब्सिडियरी कंपनी, और कलेक्टिवली इसको आप कहेंगे ग्रुप ऑफ कंपनी। तो ग्रुप में एक पैरेंट कंपनी होगी, बाकी सब उसकी सब्सिडरीज होंगी जो उसके अंडर में कंट्रोल में काम करें, ठीक है। अच्छा तो पहले तो इस पर बात कर लेते हैं। अच्छा अब सबने क्या करना है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब देखिए जो ये कंपनीज हैं, पेरेंट कंपनी है उसके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, और जो सब्सिडियरी कंपनीज है वो सब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे ना, हर कंपनी अपने अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, ठीक है। जैसे हमें हर कंपनी की अलग अलग परफॉर्मेंस पता चल जाएगी, परफॉर्मेंस पोजिशन पता चलेगी, ठीक। अब हम ये देखना चाह रहे हैं अपने ग्रुप की परफॉर्मेंस, एज अ ग्रुप हमने क्या परफॉर्म किया, ठीक है। अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि एज अ ग्रुप हमने क्या परफॉर्म किया, क्या परफॉर्मेंस में हमारी क्या पोजीशन है, तो फिर हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम क्या करेंगे कि तमाम कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मर्ज कर दें, जैसे आपके पास एक पेरेंट कंपनी है, दो आपकी सब्सिडरीज हैं, अब क्या करेंगे, तीनों का इनकम स्टेटमेंट लेंगे और तीनों के इनकम स्टेटमेंट को मर्ज करते हैं, कंबाइन कर लेंगे, तो वो बन जाएगा कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। जैसे स्टार्ट में हम क्या लिखते हैं, सेल्स, तो तीनों की सेल्स आ जाएंगी, तीनों की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इस तरह से एक्सपेंसेस, तो इसके लास्ट में आपके पास तीनों का प्रॉफिट आ जाएगा, कंबाइन प्रॉफिट, ठीक। इसी तरह क्या करेंगे, तीनों के आपने बैलेंस शीट लेंगे, उन तीनों को कंबाइन कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे, तो वो बन जाएगी आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। तो इससे हमें क्या होगा, अपने ग्रुप की परफॉर्मेंस पोजीशन पता चलेगी कि एज अ ग्रुप हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, एज अ ग्रुप हमारे कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं और कितना कैपिटल।
ये कहलाते हैं आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा फिलहाल आपके लेवल पे तो अभी स्टार्टिंग है, तो ईजीएस में सिर्फ क्या होगा, एक पैरेंट कंपनी होगी और एक सब्सिडियरी होगी, दो कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिवन होंगे आपको, उन दोनों को कंबाइन करके आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना हो, पूरे चैप्टर में यही होगा। ठीक है, तो पहले हम इससे बैलेंस शीट बनाएंगे, उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, पहले बैलेंस शीट फिर इनकम स्टेटमेंट। ठीक, तो वन बाय वन। तो पहले क्या होगा, आपको दो बैलेंस शीट गिवन होंगे, दोनों को आपने कंबाइन करना है और आपकी बन जाएगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ठीक, तो बाकी अगर इसका एडवांस फिर आप पढ़ेंगे जाके A7 में, फिर उससे एडवांस प्रोफेशनल में जाके पढ़ेंगे, तो ये टॉपिक आपका एंड तक चलेगा। ठीक, अच्छा ये एंड आउट है आपको मिल गया, इसमें कुछ बात कर लेते हैं जरा, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, ग्रुप ऑफ कंपनी क्या होती है, जिसमें एक पैरेंट कंपनी होगी और एक सब्सिडियरी होगी ना। अच्छा, अ ग्रुप ऑफ कंसिस्ट ऑफ अ पैरेंट एंटिटी एंड वन और मोर सब्सिडियरी एंटिटीज। तो पैरेंट कंपनी एक ही होगी, बाकी सब उसकी सब्सिडियरीज होंगी। अच्छा, एन एंटिटीज आर सब्सिडियरी ऑफ अनदर एंटिटी। सब्सिडियरी कौन सी होती है, एन एंटिटी इज सब्सिडियरी ऑफ अनदर एंटिटी If it is controlled by that other entity, ठीक है। जैसे P कंपनी है वो S कंपनी को कंट्रोल कर रही है, तो S कंपनी क्या कहलाएगी, सब्सिडरी, और P कंपनी क्या होगी, इसकी पैरेंट, कंट्रोल बाय अदर एंटिटी। अगर एक कंपनी है जैसे दूसरी कंपनी कंट्रोल कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी, सब्सिडरी। अच्छा, कंट्रोल यूजुअली मींस दैट मोर देन 50% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर्स आर ओन्ड बाय दैट अदर एंटिटी। कंट्रोल आपको कब मिलेगा किसी कंपनी का, जब मोर देन 50% शेयर्स उसके एक्वायर कर ले। ठीक है, जैसे आपकी अपनी कंपनी है, आपने एक और कंपनी के 60% शेयर एक्वायर कर लिए, आपके पास आ गए। अच्छा, अब डायरेक्टर्स का इलेक्शन हो रहे हैं, आप वोट कास्ट करेंगे, तो आपकी मर्जी का डायरेक्टर आएगा, सारे डायरेक्टर आपकी मर्जी के होंगे, तो आपकी मर्जी से काम करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, उस कंपनी का कंट्रोल आपके पास आ जाएगा। नहीं होगा फिर, ठीक है। तो कंट्रोल आपको कब मिलता है, जब आपके पास मोर देन 50% शेयर्स। ऐसा कंपनी भी होते हैं 40% शेयर करने के बाद काम के बाद छोटे मोटे, हाँ, और कंट्रोल यही कर रहे हैं जिसके पास 40%, वो सब एक तरफ हो गए, एक तरफ हो गए, बस खत्म, बस खत्म, तो आ गए ना। क्या क्या ये भी ठीक है, कंट्रोल कब आएगा, जब आपके पास मोर देन 50%। Second, the entity that is control, that controls all the entities in the group is called parent company. This parent is defined as an entity that has one or more subsidiaries. उसको parent कहते हैं। अच्छा, देखिए, हम एक फर्ज करें, P कंपनी है जिसने S कंपनी के 60% शेयर एक्वायर किए हुए, तो बाकी 40% दूसरे इन्वेस्टर्स के पास होंगे, तो उनको क्या कहते हैं, हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते हैं या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 60% शेयर एक्वायर किए, तो बाकी 40% दूसरे इन्वेस्टर्स के पास होंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, या जिसको कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, क्योंकि कंट्रोल किसके पास आ जाएगा, पेरेंट के पास, बाकी सब नॉन कंट्रोल। अच्छा, व्हेन अ पेरेंट एंटिटी एक्वायर्स लेस देन 100% ऑफ द इक्विटी शेयर्स इन अ सब्सिडियरी, the remainder of the shares in subsidiary are held by other shareholders, these are called non controlling interest or minority interest in the subsidiary, the abbreviation is clearly used, okay, NCI is used for non controlling interest, short term. theek hai, parent company clear ho gaya, NCI aapko clear. So for example, P might acquire 60% of the shares in S. So it has acquired 60% of equity share ownership of S, ये तो हो गए parent company, और बाकी remaining 40% of equity shares in S is owned by non-controlling interest कहलाएंगे। ठीक, new क्या, अच्छे बात आते हैं थोड़ा, definition of control, control का मतलब क्या है, क्या क्या मतलब control करना, सही है, control आपको कब मिलता है, मोर देन 50% शेयर होते हैं, तो फिर आप अपनी मर्जी से पूरी कंपनी को
कंट्रोल कर सकते हैं, चला सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल इज अज्यूम टू एग्जिस्ट व्हेन पेरेंट ओन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू अदर सब्सिडरीज मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द एंटिटी। सही, लेकिन डायरेक्ट आपने खुद खरीदे या कुछ आपने डायरेक्ट खरीदे, बाकी आपने सब्सिडी के थ्रू एक्वायर कर लिए, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, एक आपकी सब्सिडी, फिर एक और कंपनी थी उसमें आपने कुछ शेयर खरीदे पेरेंट ने, और जो आपकी सब्सिडी थी उसने कुछ शेयर एक्वायर कर, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा ना। डायरेक्ट खरीदें या इनडायरेक्ट अपनी सब्सिडी के थ्रू एक्वायर कर। अच्छा, कंट्रोल ऑल्सो एग्जिस्ट व्हेन एंटिटी पेरेंट ओन 50% और अच्छा एक चलो, नॉर्मली कंट्रोल कब आता है, जब मोर देन 50% शेयर एक्वायर करेंगे तो आपको कंट्रोल मिल जाएगा, लेकिन लेस देन 50% भी कंट्रोल मिल सकता है। कैसे मिलेगा उससे बात करते हैं। कंट्रोल ऑल्सो एग्जिस्ट व्हेन द एंटिटी पेरेंट ओन्स 50% और लेस देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ द एंटिटी बट एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस ऑल्सो अप्लाइज। ठीक है, अच्छा फर्स्ट कर लें, जो पेरेंट कंपनी उसके पास 40% शेयर है और इनमें से चार में से वन टू चार पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट फुलफिल हो जाता है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि पेरेंट के पास कंट्रोल आ गया। ठीक है, अच्छा क्या हो सकता है कि द एंटिटी हैज पावर ओवर मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग राइट्स इन द सब्सिडरी बाय वर्च्यू ऑफ एन एग्रीमेंट विद अदर इन्वेस्टर। पेरेंट कंपनी ने 40% शेयर एक्वायर किए तो बाकी शेयर एनसीए के पास है, लेकिन बाय एग्रीमेंट जो बाकी शेयर होल्डर्स है उन्होंने पी कंपनी से एग्रीमेंट किया और बाय एग्रीमेंट उसको वोटिंग पावर कितनी दे दी 70%। जो पी कंपनी है वो अगर वोट कास्ट करे तो उसको आप एज्यूम करेंगे 70%। एक पी कंपनी है और एक एस कंपनी, पी कंपनी ने शेयर एक्वायर किए कितने 40%, कंट्रोल मिलेगा नहीं मिला, लेकिन क्या हुआ पी कंपनी और एस कंपनी में एक एग्रीमेंट हुआ कि भाई आपको हम कंट्रोल दे रहे हैं 70% वोटिंग पावर दे रहे हैं आपको, राइट्स कितने 70% की। जो पी कंपनी अगर वोट कास्ट करेगी तो ये अज्यूम किया जाएगा कि 70% वोट मिल गया। जैसे डायरेक्टर के इलेक्शन हो रहे हैं, तीन बंदे हैं, अब एक को पेरेंट कंपनी ने शेयर दिया वोट दिया तो वो किसके इक्वल हुआ 70% सपोज किया जाएगा, ये 70% वोट मिल गया तो वो डायरेक्टर बन जाएगा। अच्छा ये काम हो रहा है बाय एग्रीमेंट। अच्छा इसका देखिए फायदा क्या होता है, अगर पेरेंट ने डायरेक्ट वो 60% शेयर एक्वायर कर लिए तो कंट्रोल तो चला गया, आपकी कंपनी आपके हाथ से चली गई। अच्छा आपने क्या किया, आप सपोज करें कि आपकी कंपनी आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, चल नहीं रही, आप सही मैनेज नहीं कर पा रहे, आपने क्या किया 40% शेयर दिए पेरेंट को ये कंपनी को, बाय एग्रीमेंट उसको वोटिंग पावर दे दी 60% बाय एग्रीमेंट, तो कंट्रोल किसके पास चला गया पी कंपनी के पास, अब वो आपकी कंपनी को कंट्रोल करती रहेगी। ठीक है, और जहां आपको लगा कि पी कंपनी कंट्रोल नहीं कर पा रही तो वहीं पे आप क्या करेंगे एग्रीमेंट कैंसिल करेंगे और वोटिंग पावर वापस ले लेंगे तो आपकी कंपनी आपके पास दोबारा आ जाए, इसका ये फायदा होता है। जैसे हमारे पीटी सेल है, पीटी सेल प्राइवेट हो गए तो इसी तरह हुई है कि उसके उन्होंने मोर देन 50% शेयर नहीं बेचे, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 24 या 25% को शेयर बेचे हैं दुबई की कंपनी को और बाय एग्रीमेंट उनको कंट्रोल दे दिया है कि हमसे ये नहीं चल रही आप चला दो आप हमारी कंपनी संभालें हमसे नहीं संभाल। ठीक है, तो जब तक वो संभाल रहे सही है, जिस दिन वो गड़बड़ करेंगे एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा और उनको निकाल के बाहर करेंगे, पीटी सेल वापस आ जाएगा, तो ये फायदा होता है इसका। लेकिन अगर आपने मोर देन क्या हाँ कुछ नहीं होगा उनको, देखो डिविडेंड मिलता रहेगा उनको, किस पे एक्शन लेंगे तो एग्रीमेंट विद अदर इन्वेस्टर सबसे पूछ के देंगे, सबकी एग्रीमेंट रजामंदी से।
अच्छा एक पॉइंट हो गया कि लेस देन 50% शेयर है और आपने बाय एग्रीमेंट वोटिंग पावर दे, तो इसका मतलब पैरेंट के पास कंट्रोल आ गया। एंटिटी, अच्छा सेकंड सिचुएशन क्या हो सकती है, एंटिटी हैज पावर टू गवर्न द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द सब्सिडियरी एंटिटी अंडर अ स्टैट्यूट और एग्रीमेंट। अच्छा आपने क्या किया, बाय एग्रीमेंट फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज बनाने की अथॉरिटी दे दी आपने, क्या हम निकम्मे, हमसे पॉलिसीज नहीं बन रही, आप आके हमारी कंपनी की पॉलिसीज बनाए, किसी और को बुला लिया आपने, इनवाइट किया, ठीक है, अब वो बैठ के आपकी कंपनी के फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसीज बना रहे कि आपने कंपनी को चलाना कैसे है, कहाँ कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ नहीं करनी, क्या करना है, ठीक, उसका मतलब क्या होगा, कंट्रोल दे दिया आपने, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा बचता क्या है, ऑपरेटिंग पॉलिसीज फाइनेंशियल पॉलिसीज, सही ना, राइट, उसका मतलब क्या होगा, आपने कंट्रोल बाय एग्रीमेंट, पॉलिसी बनाने का आपने कंट्रोल किसी और को दे दिया, किसी और को अथॉरिटी दे दी, तो वो जो पॉलिसी बनाएगा उसी के मुताबिक आपकी कंपनी चलेगी, तो उसका मतलब आपने कंट्रोल दे दिया, सही है। थर्ड सिचुएशन क्या हो सकती है, द एंटिटी हैज पावर टू अपॉइंट और रिमूव अ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द सब्सिडियरी एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज कंट्रोल ओवर द एंटिटी। टोटल आपके डायरेक्टर है 10, आपने 7 डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की अथॉरिटी किसी और को दे दी, पी कंपनी को दे दी, अब 7 डायरेक्टर्स जिसकी मर्जी से आएंगे तो वो फिर उसी की मर्जी से काम करेंगे, तो उसी उन्हीं की मर्जी से कंपनी चलेगी, तो मींस कंट्रोल दे दिया, क्योंकि 7 मेजोरिटी में हो जाएंगे, 3 माइनॉरिटी, तो 7 की मर्जी चलेगी, कंट्रोल आपका चला। द एंटिटी हैज पावर टू कास्ट अ मेजोरिटी ऑफ बोर्ड at meeting of board of director of the subsidiary and the board of director has control over the entity, sorry, to uska matlab bhi kya hoga, control de diya, de diya, to ye matlab situation hai jinme se koi bhi ek takriban ye upar wala hi ho gaya, nahi beech wale ka kaun sa wala, yahi control de diya second wale ka, wo usme bhi yahi tha na control, second ki second third ki sabko matlab ye niklega na, कंट्रोल सब में जा रहा है, हर एक में कंट्रोल जा रहा है, एंटिटी हैज पावर टू कास्ट मेजॉरिटी ऑफ वोट, 60% वोट कास्ट करने की अथॉरिटी दे दी, जैसे पहला वाला था ना, ये पहला और चौथा तकरीबन सेम ही था, एंटिटी हैज पावर ओवर मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग राइट्स, मोर देन यानी कि हाफ का मतलब 50, मोर देन 50%, यहां भी वही बात हो रही है, एंटिटी हैज पावर टू कास्ट मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, मतलब मोर देन 50% होगा ना, मेजोरिटी का मतलब मोर देन 50%, ठीक है, एट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है और उनके बाद अथॉरिटी है मोर देन मेजोरिटी वोट कास्ट करने, अच्छा अभी डिसीजन लिया जा रहा है, तो पेरेंट ने कहा यस तो यस हो जाएगा, उसने कहा नो नो हो जाएगा, ये जो पी कंपनी है वो यस में वोट देगी तो यह काम हो, यस हो जाएगा, नो में वोट दिया तो नो, क्योंकि आपने क्या किया, मेजोरिटी ऑफ वोट कास्ट करने की उसको अथॉरिटी दे दी, यानी कि मोर देन 50% वोट कास्ट करने की अथॉरिटी आपने पी कंपनी को दी, तो इट मींस कंट्रोल चला राइट, तो ये वो सिचुएशन है कि जिसमें लेस देन 40% भी कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, तो एक जो पेरेंट कंपनी है जब वो एक सब्सिडी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करती है, शेयर्स एक्वायर करेंगे तो आपको कुछ पेमेंट भी करना होगी, अच्छा तो पेमेंट नॉर्मली किस फॉर्म में होगी, कैश के फॉर्म में होती है, चेक कैश, ठीक है, और क्या हो सकता है, सेकंड ऑप्शन पेमेंट के अलावा, मतलब कैश चेक के अलावा, बैंक ड्राफ्ट जबरदस्ती गन पॉइंट पे एक्वायर कर लेना जी, नहीं इसमें हो सकता है शेयर्स एक्सचेंज हो सकते हैं, क्या आप सब्सिडी के शेयर्स एक्वायर करें और उसके अगेंस्ट अपने शेयर्स उसको इश्यू कर दें, ठीक है, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि कुछ कैश पेमेंट करें और कुछ अमाउंट के शेयर इश्यू कर, सही, ठीक है, अच्छा इससे पहले बात कर लेते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, क्या लिखते हैं, टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर, अच्छा कंसिडरेशन के मीनिंग क्या होते हैं, कंसिडरेशन
क्या करना क्या करना जी और करना नहीं, वो कंसिडर के में नहीं होता ना। अच्छा यहाँ इसका अंदर टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर, कंसिडरेशन मीन होते हैं समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, रिटर्न रिटर्न में क्या मिल रहा है आपको। देखिए मैं आपको टीच कर रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, तो मेरी कंसिडरेशन क्या है, रिटर्न में क्या मिलेगा मुझे, सैलरी कंसिडरेशन हो गई। अच्छा आपने यहाँ एडमिशन लिया, फीस पे की, क्यों पे की, ताकि आपको पढ़ाया जा सके, तो आपकी कंसिडरेशन क्या थी, एजुकेशन, ठीक है। तो कंसिडरेशन मीन्स क्या, समथिंग इन रिटर्न, सही है, लेने के देने, ठीक है। तो जब एक सब्सिडी पेरेंट कंपनी सब्सिडी कंपनी को एक्वायर करेगी, तो वो रिटर्न में कुछ पे करेगी ना। अब या तो वो कैश के फॉर्म में पेमेंट करेगी, या शेयर्स के फॉर्म में, या दोनों का कॉम्बिनेशन, कुछ कैश और कुछ शेयर्स। तो कंसिडरेशन मीन्स क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, रिटर्न में आपको क्या मिलता है। अच्छा कंसिडरेशन पेड बाय पेरेंट और शेयर इन सब्सिडी कैन टेक different forms, for example parent could pay cash for the subsidy, however the parent could pay a combination of cash as well as shares in itself, or perhaps just shares in itself to acquire the subsidy, ठीक है, कोई भी एक option हो सकता है। अच्छा इसके बाद जो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल मर्ज बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर, इसमें बात करते हैं, बात में गुडविल पे बात में आएंगे। अच्छा फॉर कैश दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, इट इज सिंपली द अमाउंट ऑफ कैश पेड, बट व्हाट अबाउट शेयर्स, शेयर्स की वैल्यू कौन सी लेंगे, पार वैल्यू लेंगे या मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू लेंगे, सही है। द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर इज देयर मार्केट प्राइस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। अगर पेरेंट कंपनी एक्सचेंज में शेयर्स दे रही है, तो शेयर्स की रेट क्या लेंगे, मार्केट प्राइस लेंगे। The following example shows the effect of consideration in the form of shares on consolidated balance sheet. Statement of finance. Example one. ये थोड़ी सी calculation देख लेते हैं, increase देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। अच्छा P company has acquired all of the share capital of S company. $12,000 one share. अच्छा S company के total shares कितने हैं? 12,000 par value $1 है। By issuing 5 of its own $1 shares for every 4 shares in S company. यानी S company के वो 4 shares acquire कर रही है और return में अपने 5 share issue कर रही है। मतलब 4 share के against में 5 share issue कर रही है। 4 shares लिए 5 issue किए, 4 share लिए 5 issue किए। अच्छा तो market value of P company share was 6 dollar at the date of acquisition, the fair value of the net assets of S company at the date of acquisition was 75,000. अच्छा net assets क्या होते हैं? Net assets, current asset, debt plus current. Net assets. Plus current liability. Asset current. वो तो total asset हो जाता है. Current assets minus total liability. Good. Net current asset होता है. Net assets, total asset minus total liability. Everyone ने पढ़ा था, total asset minus total liability is equals to net asset. ठीक है, देखिए जब हम कोई business acquire करते हैं, तो उसकी जो value निकालेंगे आप worth, वो कैसे calculate होगी, कि उसके assets total करेंगे, assets का total करेंगे, उसमें से total liabilities minus निकाल देंगे, तो उसकी value आ जाएगी, उसको क्या कहेंगे, net assets. अच्छा अगर आप net asset के equal pay कर रहे हैं तो ठीक है, और अगर ज्यादा पे कर रहे हैं तो किस बात की पेमेंट होगी ज्यादा, आपको बिजनेस खरीदने जा रहे हैं तो उसकी जो वैल्यूएशन आप करेंगे वो क्या होगी, एस टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, आपके पास आ गए नेट एसेट्स आ जाएंगे, उसके इक्वल आप पे कर देंगे, वो बिजनेस आप एक्वायर कर लेंगे। अच्छा अगर ज्यादा पेमेंट मांग रहे हैं वो, तो वो गुडविल हो जाती है ना, तो एक्स्ट्रा पेमेंट किस चीज की होगी फिर, गुडविल। अच्छा जी अब आज सर इसने इन्वेस्ट कितने किए, पहले हम देखते हैं, 4 के अगेंस्ट 5 शेयर इशू कर रहा है वो, ठीक है, एक्वायर कितने किए उसने, ऑल ऑफ द शेयर कैपिटल 12,000 शेयर एक्वायर किए, तो कितने शेयर इशू करना पड़ेगा, और बी कंपनी 12,000 शेयर एक्वायर कर रही है 15,000, तो 5 के 4 के अगेंस्ट 5, तो कितने शेयर इशू करना होंगे, 12,000 into 5 upon 4 ना,
हर फोर पे पांच शेयर, ठीक है। टोटल शेयर्स कितने बनेंगे? 15,000 बन गए। अच्छा, हमारे पास वैल्यू क्या रहेंगे उसकी? मार्केट वैल्यू 6, 6 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ गई? 90,000। क्या पेरेंट कंपनी जो है वो 90,000 के शेयर्स इश्यू कर रही है सब्सिडी को एक्वायर करने के लिए, सही? अगर कैश अगर होता तो आप कहते कि भाई 90,000 का कैश पे कर रहे हैं उसको एक्वायर करने के लिए, यहाँ वो कैश नहीं दे रहा अपने शेयर से। तो पेरेंट कंपनी ने सब्सिडी के 75,000 के एसेट्स को 100% शेयर एक्वायर करने के लिए अपने 90,000 के शेयर्स इशू किए, यानी कि पेरेंट की इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी? 90,000। अच्छा, इसको रिकॉर्ड करेंगे कैसे? अच्छा, ये क्या आप किसी कंपनी के शेयर्स एक्वायर करने का मतलब होता है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपकी क्या होती है? एसेट। अब उसकी एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी डेबिट 90,000। अच्छा, शेयर्स इशू कितने किए हमने? 15,000 बन रहे थे ना, 15,000 × 1 पार वैल्यू, तो कैपिटल कितना हो गया? 15,000, और बाकी आपका प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, क्रेडिट। अच्छा, शेयर्स की जगह अगर कैश होता फिर क्या एंट्री होती? इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट हो जाता। पेरेंट कंपनी सब्सिडी को एक्वायर कर रही है और पेमेंट वो कर रही है कैश की फॉर्म में, तो क्या एंट्री होती फिर? इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी डेबिट, कैश क्रेडिट हो जाता, ठीक। यहाँ फिलहाल वो अपने शेयर इशू कर रही है तो इसलिए कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट। अच्छा, 50% कैश पेमेंट हो और 50% शेयर्स हो तो फिर क्या एंट्री होगी? इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, दोनों क्रेडिट में आ जाएंगे, सही। तो ये एंट्री तो होगी आपकी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी, जब पैरेंट कंपनी सब्सिडी एक्वायर कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है, उसकी एंट्री क्या होगी? ये बनती है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी डेबिट और शेयर कैपिटल या कैश या दोनों क्रेडिट हो जाए। अच्छा, अब ये कहीं यहाँ पे एक जो सब्सिडी कंपनी है उसके नेट एसेट्स कितने थे? पैरेंट ने शेयर्स कितने के इशू किए? 90,000 की, तो 15,000 की एक्स्ट्रा पेमेंट हो रही है। तो ये एक्स्ट्रा पेमेंट किस बात की हो? ये गुडविल की हो जाएगी ना, आपके नाम, फेम, रेपुटेशन के ना। तो यहाँ पे ये मैंने गुडविल की कैलकुलेशन किया। गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, नाम, फेम, शोहरत, ठीक है। और देखना, गुडविल जो आपकी बन जाती है मार्केट में तो उसकी भी एक वैल्यू होती है ना। हम दो बिजनेस है, एक बिजनेस की गुडविल है, दूसरे की गुडविल नहीं है, दोनों सेल हो रहे हैं तो क्या सेम प्राइस में सेल होंगे? जिसकी गुडविल है उसके पैसे ज्यादा होंगे ना, तो ज्यादा पैसे किस बात के? गुडविल के होते हैं, नाम के, उसके भी पेमेंट होती है। हाँ, तब इसके एसेट्स कितने के? 75,000 के, लेकिन पैरेंट ने इन्वेस्ट कितने किए? 15,000 एक्सेस पे हो रहे हैं, एक्सेस पेमेंट किस बात की हो गई? गुडविल। तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ट्रांसफर 90,000, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन 75, तो गुडविल कितनी हो गई? 15,000, सही। ये जो इनकी कैलकुलेशन हो गई, इसकी एंट्री हो गई, याद रखिएगा। अच्छा, एग्जांपल तो आप लोग घर पे कर लेंगे। ये सर घर पे करना है, सब घर पे करना। अच्छा, फिर एक होती है एसोसिएट, इसमें हम बातें बात करेंगे अभी। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? अब इसे पेरेंट और सब्सिडी की बात करते हैं, घूम जाएंगे। एसोसिएट कंपनी क्या होती है इसमें हम बात करेंगे। एसोसिएट करना की जरूरत है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। बेसिक कंसोलिडेशन प्रोसीजर। अच्छा, इसमें क्या होगा? आपको पहले हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, फिर हम बनाएंगे कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, तो इसमें क्या होगा? हर क्वेश्चन में आपको दो बैलेंस शीट्स गिवन होंगी और दोनों को हमने मर्ज करके, कंबाइन करके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है। अच्छा,
पढ़ लेते हैं प्रोसीजर क्या है। अच्छा ये बताएं आप फर्स्ट करेंगे पेरेंट कंपनी, एक पेरेंट कंपनी एक सब्सिडियरी है। अच्छा और जो पेरेंट सब्सिडियरी आपस में भी बाइंग सेलिंग करती है, ट्रेडिंग होती है उनकी ना। या फर्स्ट करें तो ये कंपनी है वो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है, दूसरी उससे फिनिश गुड्स बनाती है, आपस में उनकी ट्रेडिंग हो रही है। या एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है जिसमें दूसरी कंपनी से कोई वो कंपोनेंट लेके यूज कर रही है, ठीक है। जैसे आप गाड़ी बना रहे हैं तो एक कंपनी आपकी सब्सिडी है, वो कोई कंपोनेंट बना रही है गाड़ी का, तो उससे आप कंपोनेंट खरीद के अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, लगा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि पेरेंट सब्सिडी में आपस में भी ट्रेडिंग हो सकती है, और इसी तरह पेरेंट और सब्सिडी एक दूसरे को लोन भी दे सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, लगन की बात है। अच्छा जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, कंबाइन करेंगे, तो क्या उसमें रिसीवेबल पेबल्स को शो करेंगे? अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल या लोन रिसीवेबल, लोन पेबल शो होगा? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कैश दिया, ठीक है, मैंने आपको लोन दिया 5 लाख का, ठीक। अच्छा मैं आपके लिए हो गया लोन पेबल, मेरे लिए लोन रिसीवेबल, ठीक है जी। ये हमने मैंने अपने पास नोट कर लिया, आपने अपने पास नोट कर लिया। अब हम खुद दोनों को एज अ ग्रुप दिखा रहे हैं, सिंगल यूनिट दिखा रहे हैं, तो उसमें दिखाएंगे क्या कि मुझे आपसे कितने पैसे लेने हैं, आपसे मुझे कितने लेने हैं। आपस की बात, उसकी बात कर रहा हूँ, बाकी वाले तो आएंगे ना, ये आपस वालों की बात हो रही है। आपस में अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपस के जो रिसीवेबल पेबल है वो वाले बाहर वाले तो आएंगे, कस्टमर को जो सेल कर रहे हैं वो सब आएंगे। लेकिन मैंने आपको लोन दिया, आपने मुझसे लोन लिया, अब हम दोनों का कैश कितना है? 5,000 बराबर ही रहेगा ना, वो थोड़ी ज्यादा कम होगा। आपके पास 10 लाख है, 10 लाख मेरे पास है, टोटल कैश कितना हुआ हमारा? 20 लाख। मैंने 5 लाख आपको एज अ लोन दे दी, तो मैं लिखूंगा लोन रिसीवेबल, आप लिखेंगे लोन पेबल। अच्छा आपका कैश कितना हो गया? 15 लाख। मेरा लोन कितना हुआ? कैश 5 लाख। दोनों का टोटल एक ही बात होगी ना, तो घर की बात ही है ना, ये तो घर का पैसा घर में ही है ना। कैश मेरे पास था, आपके पास चला गया, तो घर का पैसा घर में ही रहा ना, घर से बाहर तो नहीं गया। तो घर में टोटल कैश कितना है? उतना ही रहेगा, 20 लाख ही रहेगा ना। तो घर में टोटल कैश कितना है? 20 लाख। नहीं समझ रहा, आपके पास 10 लाख है, मेरे पास 10 लाख है, आपने अपने पास लिखा हुआ कैश है 10 लाख, मैंने लिखा 10 लाख। अब 5 लाख मैंने आपको लोन दिया, मैं लिखूंगा लोन रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, आप लिखेंगे कैश डेबिट लोन पेबल क्रेडिट, होगी बात सही? ये तो अपनी अपनी रिकॉर्डिंग होगी। अब हम दोनों के अकाउंट्स को मर्ज कर, तो हम टोटल कैश कितना दिखाएंगे? 15 आपके पास, 5 मेरे पास, टोटल कैश कितना है? 20 ही रहेगा ना। तो वो जो रिसीवेबल पेबल है वो क्या है सर? वो कंपनी हमारी 100% खत्म हो जाएगी, वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, लेकिन घर का मत, घर का कैश घर में ही है ना, अब उस पे आते हैं, ठीक है। तो घर की बात घर में रहेगी, तो इसलिए वो आपस में एंडोर्स दे दिया था, वो ओरिजिनल है। अच्छा पहले क्या था, प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इसका वेरी सिंपल फॉर्म झूठ लिखा हुआ है, consist of two procedures. पहले क्या, टेक द इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ पेरेंट कंपनी, इंडिविजुअल अकाउंट लेंगे वन बाय वन, यानी कि लैंड बिल्डिंग फर्नीचर रिसीवेबल पेबल कैश बैंक इंडिविजुअल आइटम, टेक द इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ पेरेंट कंपनी एंड ईच सब्सिडियरी कंपनी एंड कैंसिल आउट द आइटम्स which appear as an asset in one company and a liability in another company. एक के receivables हैं, अगर दूसरे के पास payables record है तो दोनों आपस में cancel, ठीक है। आपस के जो receivable payable हैं वो record नहीं होंगे, cancel होते हैं। घर की बात घर में रहेगी। उसके बाद क्या करना है, आपने cancel out करने के बाद add together all uncancelled assets and liabilities throughout the group on a line by line basis. So line by line add करते चले जाएंगे, land, building, furniture, machinery, receivable, payable, cash, bank और आपकी consolidated balance sheet बन जाएगी।
अच्छा आइटम्स रिक्वायरिंग कैंसिलेशन में इंक्लूड द फॉलोइंग द एसेट्स इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी कंपनी व्हिच अपीयर इन पैरेंट कंपनी अकाउंट्स ठीक है पैरेंट कंपनी ने सब्सिडी को एक्वायर किया तो पैरेंट अपने पास क्या लिखेगी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी डेबिट ठीक है अच्छा और कैश क्रेडिट हो जाएगा मतलब सब्सिडी की एंट्री बनाएगी कैश डेबिट शेयर कैपिटल कैश डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा ना वो शेयर इश्यू कर रही है तो देखिए जो पेरेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो पेरेंट के लिए वो क्या है एसेट है इन्वेस्टमेंट एसेट होता है अच्छा और शेयर कैपिटल क्या होती है नेचर क्या है शेयर कैपिटल या कैपिटल की नेचर क्या होती है लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर एसेट्स इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी कंपनी व्हिच अपीयर्स इन पेरेंट कंपनी अकाउंट्स विल बी मैच्ड विद द लायबिलिटी शेयर कैपिटल इन द सब्सिडी अकाउंट हाँ पेरेंट्स जब इन्वेस्टमेंट करती है पेरेंट एंट्री क्या बनाएगी इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश और सब्सिडी की एंट्री बनाएगी कैश डेबिट शेयर कैपिटल ये इन्वेस्टमेंट क्या है एसेट पेरेंट के रिकॉर्ड में शेयर कैपिटल क्या है लायबिलिटी सब्सिडी के रिकॉर्ड तो एक का एसेट दूसरे की लायबिलिटी एक के एसेट दूसरे की लायबिलिटी एक तो ही हो गया आपके पास ठीक है मार्कर ये लाना पड़ेगा सेकंड द देयर मे बी इंट्रा ग्रुप ट्रेडिंग द विद इन ग्रुप ट्रेडिंग हो रही है ना आपस में बाइंग चल रही है विद इन द ग्रुप फॉर एग्जांपल सब्सिडी कंपनी मे सेल गुड्स ऑन क्रेडिट टू पेरेंट कंपनी पेरेंट कंपनी वुड देन बी अ रिसीवेबल इन द अकाउंट्स ऑफ सब्सिडी while subsidy would be a payable in the accounts of parent company आपस में अगर ट्रेडिंग हो रही है तो एक के पास रिसीवेबल रिकॉर्ड हो रहा है एक के पास payable तो एक के रिसीवेबल दूसरे के payable कैंसिल क्योंकि देखिए गुड्स कहां पर है गुड्स तो ग्रुप के अंदर ही है ना घर के गुड्स घर के अंदर ही है घर से बाहर नहीं गए तो इसलिए क्या करेंगे रिसीवेबल पेबल को कैंसिल क्योंकि गुड्स क्या है एक घर से दूसरी कंपनी में जा रही है तो ग्रुप के अंदर ही है ना घर के अंदर ही है तो घर की बात घर में रह जाएगी सही कंपनी की बात कंपनी क्लियर लेकिन एक जगह से गुड्स निकल के दूसरी जगह जा रही है तो गुड्स है वो ग्रुप के अंदर ही है ना एक का स्टॉक इंक्रीज हो रहा है एक का स्टॉक डिक्रीज हो रहा है तो ग्रुप के स्टॉक में कोई चेंज नहीं आएगा इसलिए जो आपस के रिसीवेबल पेबल है वो कैंसिल हो जाएंगे जैसे ये चेयर उठा के हम बराबर वाले रूम पर रख दें तो क्या टीएसए की चेयर्स में कोई इंक्रीज डिक्रीज आएगा लेकिन इंडिविजुअली देखे तो ये रूम वाले रिसीवेबल रिकॉर्ड करेंगे और वो रूम वाले पेबल रिकॉर्ड करेंगे लेकिन चेयर्स ग्रुप में तो चेयर उतनी है ना स्टॉक तो उतना ही है तो आपस के जो रिसीवेबल पेबल है वो रिकॉर्ड नहीं होंगे कैंसिल हो जाएंगे उससे आपके स्टॉक में कोई चेंज नहीं अच्छा ये हो गया इसके बेसिक स्टेप्स अब एक क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर वन ठीक है क्वेश्चन नंबर वन अच्छा इसमें ये पहले पी कंपनी है क्या लिखा है पी कंपनी रेगुलरली सेल गुड्स टू वन सब्सिडी कंपनी एस को लिस्टेड ऑन सिंस एस कंपनी इज इनकॉर्पोरेशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी आर गिवन बिलो बैलेंस शीट है बैलेंस शीट पोजीशन हमने करना क्या
ओके पहले क्या आपको एस टी एम कंपनी प्लानेट इक्विपमेंट वो पी कंपनी है और वो एस कंपनी है फिर इन्वेस्टमेंट आ गई फिर ये आपके करंट एसेट्स आ गए उसके बाद इक्विटी आ गए इसके बाद फिर करंट लायबिलिटीज आ गए ठीक है। अच्छा पहले हम ये काम करते हैं जो कैंसिल होने वाले आइटम्स उनको कैंसिल करते हैं उसके बाद फिर उसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएं क्या लिखूंगी कैसे हाँ देखें यहाँ पे देखें इसमें पेरेंट पी कंपनी के करंट एसेट्स में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन $40,000 वन शेयर्स इन एस कंपनी एट कॉस्ट 40,000 अच्छा ये 40,000 कैंसिल होंगे अब यहाँ पे आ जाए इक्विटी में शेयर्स में $40,000 वन ऑर्डिनरी शेयर्स 40,000 के ठीक है। हाँ देखिए पेरेंट्स की इन्वेस्टमेंट 40,000 और सब्सिडरी की कैपिटल 40,000 दोनों कैंसिल ये इन्वेस्टमेंट एसेट हो गई और ये कैपिटल आपकी लायबिलिटी हो गई दोनों कैंसिल हो गए। अच्छा इसके बाद देखिए पेरेंट्स के करंट एसेट्स में लिखा हुआ रिसीवेबल्स एस कंपनी 2000 और सब्सिडरी में करंट लायबिलिटीज में लिखा पेबल्स में पी कंपनी 2000 ये भी कैंसिल हो गए ना एक के रिसीवेबल्स दूसरे के पेबल्स ये भी कैंसिल हो गए ठीक है। अच्छा अब बाकी जो आइटम्स बचे उसको हम लाइन बाय लाइन बेसिस पे ऐड करते चले जाएंगे और हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन जाएगी। नॉन करंट एसेट्स से स्टार्ट लेंगे पहले आपके नॉन करंट एसेट्स में क्या दिया हुआ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स 35,000 और 45,000 दोनों को ऐड कर लेते हैं टोटल नॉन करंट एसेट्स आ गए। इसके बाद इन्वेस्टमेंट कैंसिल हो गई करंट एसेट है अब करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज हैं 16,000 12,000 दोनों को ऐड कर देंगे 28,000। इसके बाद रिसीवेबल्स कौन से अदर्स वाले अदर रिसीवेबल्स 6,000 और 9,000 दोनों ऐड हो जाएंगे टोटल रिसीवेबल्स आ गए। इसके बाद कैश एट बैंक 1,000 आ जाएगा और इसके बाद ये टोटल कर लेंगे एसेट्स कंप्लीट हो गए सही है। अच्छा अब इक्विटी और लायबिलिटीज नेक्स्ट है इक्विटी। अच्छा इक्विटी में देखिए जो पेरेंट्स सब्सिडरी की कैपिटल है वो तो कैंसिल हो गई अब क्या लेंगे आप पेरेंट्स की कैपिटल लेंगे 70,000। अच्छा याद रखें कैपिटल हमेशा पेरेंट्स की ही आएगी सब्सिडरी की कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद है रिटेन अर्निंग 16,000 और 19,000 सब्सिडी की तो कैंसिल हो गई ना मतलब अब रिटेन अर्निंग 16,000 19,000 दोनों को ऐड कर लेंगे 35,000 आ गए ठीक। अब लायबिलिटीज तो करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट 3,000 इसके बाद पेबल्स हैं 14,000 और 2,000 ठीक है और ये बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट इसका टोटल कर लेते हैं 1,25,000 हाँ कैंसिल हो ये नीचे वाला है दूसरा सही तो ये बन गई हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू ठीक है। अच्छा अब इसमें अच्छा दोनों की पहले ये पी कंपनी की बैलेंस शीट है एस कंपनी की नेक्स्ट पेज पर दी हुई है
अच्छा इसमें क्या पढ़ लेते हैं, द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पी कंपनी एंड ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी एस्को हैव बीन मेड अप टू 30th जून राइट. अच्छा पी कंपनी हैज ओन ऑल द ऑर्डिनरी शेयर्स. अच्छा ऑल द ऑर्डिनरी शेयर मींस 100% हो गए एंड 40% ऑफ लोन स्टॉक ऑफ एस कंपनी सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन. इसका मतलब ये कि पेरेंट कंपनी ने सब्सिडी के शेयर्स तो 100% एक्वायर कर लिए, बाकी 40% लोन भी दिया है. यानी कि सब्सिडी का जो लोन है टोटल उसमें से 40% लोन पेरेंट ने दिया हुआ है. जैसे कि यहाँ देखें, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सब्सिडी की बैलेंस शीट आ गई. सब्सिडी का यहाँ लोन कितना है, 50,000 का लोन आ रहा है ना. सब्सिडी के बैलेंस शीट में लोन शो हो रहा है 50, तो 50,000 में से 40% लोन इसे किसने दिया है, पी कंपनी ने दिया हुआ है. बाकी 60% उसने बाहर से कहीं से लिया है, बैंक वगैरह कहीं से भी लिया हुआ है. ठीक है राइट. तो अब देखिए, पेरेंट ने सब्सिडी को लोन दिया तो पेरेंट उसे अपने पास लोन रिसीवेबल रिकॉर्ड करेगा, पेरेंट और सब्सिडी पेबल, तो ये भी दोनों आपस में कैंसिल होंगे. तो 50,000 का 40% 20,000 बनेगा, तो इसमें से हम 20,000 माइनस कर देंगे 50 में से, 30,000 ले लेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे. ठीक है. और इसके अलावा देख लेते हैं बाकी आइटम्स जो कैंसिल होंगे. तो पहले ये पी कंपनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 80,000 ऑर्डिनरी शेयर्स और $1, तो ये 80,000 आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई पेरेंट की. अच्छा ये कैंसिल हो जाएंगे सब्सिडी की कैपिटल से ना. अच्छा सब्सिडी की कैपिटल कितनी है, 80,000 है 100%, तो ये दोनों कैंसिल हो गए. पेरेंट की इन्वेस्टमेंट, सब्सिडी की कैपिटल कैंसिल. अच्छा इसके बाद टू दो पेजेस पर है. अच्छा इसके बाद नॉन करेंट एसेट में लिखा 20,000 ऑफ 12% नॉन लोन स्टॉक इन एस कंपनी 20,000. ये 20,000 का लोन पेरेंट ने दिया है, तो ये इसमें से सब्सिडी का जो लोन है 50,000 का, इसमें से 20,000 का लोन कैंसिल हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 30,000. तो बैलेंस शीट में हम लिखेंगे 30,000. हाँ ठीक है. ऊपर परसेंटेज बताइए, अमाउंट नहीं बताया ना. हाँ अमाउंट ये दिया हुआ है 20,000 का, तो इससे 20,000 कैंसिल, 30,000 बच जाएगा. सही. तो अपने पास अब यहाँ लिख लें, यहाँ पे अगर राइटिंग का ऑप्शन नहीं है, यहाँ 50,000 के आगे लिखे माइनस 20,000 इक्वल्स टू 30,000. ठीक. इसी के आगे क्वेश्चन में लिख लें 50,000 के आगे माइनस 20,000 इक्वल्स टू 30,000. अच्छा इसके बाद फिर रिसीवेबल पेबल की बात करते हैं, देख लेते हैं रिसीवेबल पेबल्स. अच्छा यहाँ करंट एसेट में देखिए लिखा हुआ है करंट अकाउंट विद एस कंपनी. करंट अकाउंट मतलब रिसीवेबल फ्रॉम एस कंपनी. ठीक है. तो ये पेरेंट्स में पेबल्स, सब्सिडी में पेबल्स आ रहे होंगे. अब सब्सिडी की लायबिलिटी में देखें आप, करंट लायबिलिटीज में लिखा हुआ है करंट अकाउंट विद पी को 12,000. तो 6,000 का डिफरेंस आ रहा है. पेरेंट की लायबिलिटी में शो हो रहे हैं 12,000 पेबल, और सब्सिडी के पास रिसीवेबल शो हो रहे हैं 6,000 का डिफरेंस आ रहा है. इसकी क्या रीजन हो सकती है, पेरेंट के पास रिसीवेबल है 18,000 शो हो रहे हैं और सब्सिडी के पास लायबिलिटी में पेबल्स 12,000 शो हो रहे हैं ना. 6,000 का डिफरेंस आ रहा है, मुझे बोलने दो. इसकी रीजन क्या हो सकती है डिफरेंस आने की, आप बोले. आप बोले क्यों करने हो, तो किसी और से करने होंगे, वो अलग से रिकॉर्ड होंगे ना जी. हाँ गुडविल कहाँ से आ गई. ये एक रीजन तो ये हो सकती है कि पेरेंट कंपनी ने सब्सिडी को गुड्स सेंड किए, गुड सेल की सप्लाई की, जो सब्सिडी तक नहीं पहुंची. अभी आ पेरेंट कंपनी है कराची में, सब्सिडी कंपनी आपकी इस्लामाबाद. अब कराची से गुड्स आ रही है इस्लामाबाद, पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे,
तो पैरेंट कंपनी तो जिस दिन डिस्पैच करेगी गुड्स उसी दिन रिकॉर्ड कर लेगी अपने पास रिसीवेबल, लेकिन सब्सिडी को जब गुड्स रिसीव होंगे जिस दिन उस दिन वो पेबल रिकॉर्ड करेगी ना। अच्छा इससे पहले की गुड्स वहां पे पहुंचती ईयर एंड हो गया आपका, इससे पहले गुड्स वहां पहुंचती ईयर एंड हो गया, तब क्या होगा पैरेंट के रिसीवेबल इंक्रीज हो गए, सब्सिडी के पेबल कम हो गए। रीजन तो इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे गुड्स इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट कि एक ने गुड्स सेंड कर दी दूसरे के पास नहीं पहुंचे। अच्छा इसका रिवर्स हो जाएगा कैश इन ट्रांजिट, सब्सिडी ने पेमेंट भिजवा दी है पेरेंट्स को, कैश रिसीव नहीं हुआ, सब्सिडी ने पेमेंट भिजवा दी, सब्सिडी के पेबल्स डेबिट हो जाएंगे कम, लेकिन पेरेंट्स को कैश रिसीव नहीं हुआ तो उसका रिसीवेबल ज्यादा इशू होंगे ना। इसके लिए टर्म यूज होती है कैश इन ट्रांजिट, एक ने पेमेंट भिजवा दी दूसरे ने पेमेंट रिसीव नहीं हुआ। तो दो रीजन हो गए, ठीक है दो रीजन हो गए गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट, जिसकी वजह से रिसीवेबल पेबल में डिफरेंस आ सकता है। ठीक है अच्छा यहाँ रीजन दी हुई है कि किस वजह से डिफरेंस आ रहा है, यहाँ लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑन करंट अकाउंट अराइजेस बिकॉज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, रीजन बता दी उसमें। ठीक है अच्छा पेरेंट के रिसीवेबल ज्यादा है सब्सिडी के पेबल कम है, तो गुड्स किसने किसको सेंड किए, पेरेंट ने सब्सिडी को गुड्स सेंड किए हैं इसीलिए पेरेंट के रिसीवेबल ज्यादा है, और सब्सिडी को गुड्स अभी मिले नहीं तो उसके पेबल्स कम है। अच्छा तो इसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे, ये भी रिकॉर्ड होती है गुड्स इन ट्रांजिट। अच्छा कौन रिकॉर्ड करेगा इसको, पेरेंट या सब्सिडी? देखिए पेरेंट ने गुड्स सेंड कर दिए तो पेरेंट तो अपने पास एंट्री बना ली होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो इसकी एंट्री कौन बनाएगा, सब्सिडी कंपनी बनाएगी, तो गुड्स इन ट्रांजिट की एंट्री बनेगी सब्सिडी कंपनी में एस कंपनी। ठीक है इसकी एंट्री होगी गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, और अमाउंट कितना आएगा 6000। तो ये इसकी डबल एंट्री होगी और ये कौन बनाएगी, पेरेंट सब्सिडी कंपनी बनाएगी। ठीक सब्सिडी अपने पास एंट्री बनाएगी गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। ठीक तो इससे क्या होगा, सब्सिडी के पेएबल्स कितने हो जाएंगे 18000 और पेरेंट के रिसीवेबल 18, तो दोनों कैंसिल, बाकी गुड्स इन ट्रांजिट जो है ये करंट एसेट में आ जाएगी, ये करंट एसेट में शो होगी, गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट भी आपका करंट एसेट होता है। सही है तो इसको हम बैलेंस शीट बनाते हुए करंट एसेट में रिकॉर्ड कर लेंगे गुड्स इन ट्रांजिट 6000। ठीक है हाँ बोले सही है, ये लिखेंगे बाद में। अच्छा अब इसकी पहले बैलेंस शीट बनाते हैं नॉन करंट एसेट्स। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं दो पेजेस पर आ गया ना, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे ज्यादा होगा। यहाँ देखिए नॉन करेंट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स 1,20,000 और सब्सिडी के नॉन करेंट एसेट 1,00,000 है, दोनों को ऐड कर लेंगे 2,20,000 के हो गए नॉन करेंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स हैं, अच्छा करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है यहाँ पे 50,000 की पेरेंट की, और सब्सिडी की इन्वेंट्री कितनी है 60,000, दोनों को ऐड कर लेते हैं 50,000 प्लस 60,000। अच्छा और उसके बाद गुड्स इन ट्रांजिट आ जाएंगी 6,000 की। ठीक है नेक्स्ट करंट एसेट्स में आपको रिसीवेबल्स दिए हैं 40,000 के 40,000 और सब्सिडी के रिसीवेबल्स हैं 30,000, दोनों को ऐड कर लेते हैं 40,000 प्लस 30,000 टोटल रिसीवेबल 70,000। रिसीवेबल्स के बाद कैश है पेरेंट्स का 4,000 कैश और सब्सिडी का कैश है 6,000 का, दोनों को ऐड कर लेते हैं 4,000 प्लस 6,000 10,000 कैश हो गया, और ये करंट एसेट्स का टोटल आ गया 1,96,000। अब नॉन करंट और करंट एसेट्स को ऐड कर लेते हैं टोटल एसेट्स आ जाएंगे 4,16,000। ठीक है टोटल एसेट्स हो गए 4,16,000। अब ओनर्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स इक्विटी
इक्विटी पे आते हैं। अच्छा, इक्विटी में हम पेरेंट्स की कैपिटल लेंगे, ठीक है। पेरेंट्स की शेयर कैपिटल है 1 लाख एज इट इज आ जाएगी। जिसके बाद रिटेन अर्निंग है पेरेंट्स की 95,000 और सब्सिडियरी की रिटेन अर्निंग है 28,000। दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक। और ये इक्विटी आ गई हमारे पास 2,23,000। इसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज, तो देखिए पेरेंट्स के पास, पेरेंट्स के नॉन करेंट लायबिलिटीज हैं 75,000, जिसको हम अलग अलग शो करेंगे, ठीक है। दोनों का इंटरेस्ट रेट डिफरेंट है ना, यहाँ पे 10% है। अच्छा, ये पेरेंट्स के नॉन करंट लायबिलिटी 75,000। इसके बाद सब्सिडी के नॉन करंट लायबिलिटीज हैं 50,000, माइनस करेंगे 20,000, तो 30,000 रिमेनिंग, यहाँ लिख लेंगे 30,000। ये नॉन करंट लायबिलिटीज हो गई 1,05,000। इसके बाद करंट लायबिलिटीज, अच्छा पेरेंट्स की करंट लायबिलिटीज में पेबल्स हैं 47,000 के, और सब्सिडियरी की करंट लायबिलिटीज में पेबल्स हैं 16,000। दोनों ऐड कर लेंगे 63,000। बट पेरेंट्स की लायबिलिटीज में टैक्स है, टैक्स पेबल 15,000, और सब्सिडियरी की करंट लायबिलिटीज में टैक्स 10,000। दोनों ऐड हो गए, ये टोटल करंट लायबिलिटीज आ गई, ठीक है। अब इक्विटी और लायबिलिटीज को ऐड कर लेते हैं, और इनका टोटल आ गया 4,16,000, ठीक है। ये आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट।